हेलो एवरीवन, आई एम मेघा। वेलकम टू सो शॉर्नर टिप्स। गाइज, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो दैट इज़ ऑन सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन माय लास्ट वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स टर्म्स, लाइक वॉट इज सैम्पल साइज, सैम्पल फ्रेम एंड टारगेट पॉपुलेशन। सो फर्स्ट यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस वीडियो बेटर। सो यस, लेट्स स्टार्ट नाउ। See what is probability sampling and non-probability sampling. When you conduct research about a group of people, it's really possible to collect data from every person in that group. Yeah, if I want to do a research, so it is very impossible for me to collect data from every single person. So what I have to do, that I have to select a sample from that population. The sample is a group of individual who will actually participate in the research. And sample क्या होते हैं? Sample वही होते हैं, वही group of individual होते हैं जो research में actually participate करते हैं, क्योंकि whole population के साथ data collect करना या उनसे data लेना next to impossible है। तो हम लोग क्या करते हैं, whole population में से samples निकालते हैं। ठीक है, sample क्या होता है ये आप मेरे को मेरी जो पहले वीडियो है उसको जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि सैम्पल क्या होता है। देन टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम योर रिजल्ट, यू हैव टू केयरफुली डिसाइड हाउ यू विल सेलेक्ट अ सैम्पल दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ग्रुप एज अ होल। अब हमें जो कंक्लूजन लेके आना है वो वैलिड लेके आना है, यानी हमारे रिजल्ट जो निकलने चाहिए वो एकदम एक्यूरेट निकलने चाहिए, करेक्ट निकलने चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सैम्पल जो साइज़ आप ले रहे हैं वो एक्यूरेट लेना होगा। सैम्पल साइज़ हम कैसे चूज़ करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया, तो आप उसको पहले जाके देखें। यहाँ पे हम लोग सिर्फ टाइप्स की बात करेंगे। देर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग मेथड। सैम्पलिंग मेथड्स के टू टाइप्स हैं, आप दो तरीके से सैम्पलिंग कर सकते हैं। एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब ये देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स रैंडम सिलेक्शन, अलाउंग यू टू गो मेक स्ट्रॉन्ग स्टैटिकल इन्फ्रेंसेज अबाउट द होल ग्रुप। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब जहाँ पे आप रैंडमली सैम्पल को सिलेक्ट करते हो, आपने कुछ भी पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ है, जस्ट आप मान लीजिए कॉलेज में से स्टूडेंट्स लेने हैं आपको डांस कॉम्पिटिशन के लिए, आप क्लास में गए, अपने आपके उस टाइम माइंड में जिन जिन का नाम आया आपने फटाफट से नाम लिया और रैंडमली हमने स्टूडेंट्स को डांस कॉम्पिटिशन के लिए सिलेक्ट कर लिया, दैट इज़ नोन एज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में एक चीज़ और होती है, वहाँ पे सैम्पल चूज़ होने के इक्वल चांस होते हैं, क्योंकि हम लोग रैंडमली चूज़ करें, हम खुद से डिसाइड करके नहीं गए हैं कि हमें किस सैम्पल को चूज़ करना है, किस इंडिविजुअल को चूज़ करना है, हमारे दिमाग में पहले से वो चीज़ नहीं है। तो वहाँ पे अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स के इक्वल चांस हैं सिलेक्ट होने के। उस 50 स्टूडेंट्स में से 10 स्टूडेंट्स हमें लेने हैं या 20 लेने हैं, तो उसमें से कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, यानी हर एक पर्सन के इक्वल चांस हैं सिलेक्ट होने के। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की। इन्वॉल्व्स नॉन रैंडम सिलेक्शन बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस और अदर क्राइटेरिया। यहाँ पे आप रैंडमली चूज़ नहीं करें, यहाँ पे आपने एक क्राइटेरिया फिक्स किया है या फिर आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, यानी मुझे जो चीज़ ईजी रहेगी, ठीक है, मैं उस मेरे लिए जो सैम्पल सबसे ईजी रहेगा मैं उसको सिलेक्ट करूँगी, ठीक है, जो मेरी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज़ नोन एज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड यहाँ पे हर एक पर्सन के इक्वल चांस नहीं होंगे सिलेक्ट होने के, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है, हम लोगों ने डिसाइड कर रखा है कि हमें कौन से सैंपल लेने हैं, तो यहाँ पे हर एक पर्सन के इक्वल चांस बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। यही बेसिक डिफरेंस है जो आपको याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के टाइप्स के, जहाँ पे यहाँ पे चार टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी के भी चार टाइप्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है सिंपल रैंडम सैम्पल, सेकेंड है हमारा सिस्टमैटिक सैम्पल, थर्ड है स्ट्रेटिफाइड सैम्पल और फोर्थ है क्लस्टर सैम्पल। देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स क्या होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मीन्स दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, जो मैंने आपको बता दिया, हर एक इंडिविजुअल के इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। इट इज़ मेनली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स आर द मोस्ट वैलिड चॉइस। जहाँ पे हम लोगों को होल पॉपुलेशन का डेटा लेना है और जहाँ पे होल पॉपुलेशन का हमें डेटा लेना है और एक्यूरेट आना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग मेथड है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। फोर टाइप्स हमने देख लिए, आगे हम डिस्कस करते हैं सिंपल रैंडम क्या होता है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इन अ सिंपल रैंडम सैम्पल एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। सिंपल रैंडम से ही आपको समझ में आ गया
आ रहा होगा कि हमें जाके सिंपली रैंडमली चूज करना है, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल चांस है हर एक पर्सन के सिलेक्ट होने के। योर सैम्पलिंग फ्रेम शुड इंक्लूड द होल पॉपुलेशन, आपका जो सैम्पलिंग फ्रेम है उसमें आपकी होल पॉपुलेशन इंक्लूड हो रही है। टू कंडक्ट दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग यू कैन यूज टूल्स लाइक रैंडम नंबर जनरेटर और अदर टेक्निक दैट आर बेस्ड एंटायरली ऑन चांस। बट आप जब अपनी सैम्पलिंग को कंडक्ट करने के लिए जा रहे हैं तब आप एक टूल यूज़ कर सकते हैं, रैंडम नंबर जनरेटर, या कोई सी भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, वो ऑलरेडी उसी टाइम फिक्स्ड होगा। जैसे यू वांट टू सेलेक्ट अ सैम्पल, रैंडम सैम्पल ऑफ 100 एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एक्स। एग्जांपल है एक कि मुझे 100 एम्प्लॉय कंपनी एक्स से लेने हैं। यू असाइन अ नंबर टू एवरी एम्प्लॉय इन द कंपनी डाटाबेस फ्रॉम 1 to 1000। वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं मैंने उनको एक नंबर फिक्स दे दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सो ऑन, ठीक है। एंड यू यूज़ अ रैंडम नंबर जनरेटर टू सेलेक्ट 100 नंबर। अब उन 1000 में से मुझे रैंडमली 100 एम्प्लॉयज़ को चूज़ करना है, ठीक है। तो मैं किसी का भी नाम ले सकती हूँ, ठीक है। नंबर वाइज मैंने बांट रखा है तो मैं कोई भी नंबर को बुला के उनको चूज़ कर सकती हूँ, रैंडमली चूज़ करती हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको डांस कॉम्पिटिशन वाला एग्जाम्पल बताया था एग्जैक्टली वैसे ही। नेक्स्ट आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज सिमिलर टू सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ये भी कहीं हद तक सिंपल रैंडम से सिमिलर है, बट इट इज़ यूजली स्लाइटली ईजियर टू कंडक्ट। बट यहाँ पर थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमने नाम दे दिया ना सिस्टमैटिक, तो काम जो होगा वो किस तरीके से होगा, सिस्टमैटिक वे में होगा। एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज लिस्टेड विद अ नंबर, बट इंस्टेड ऑफ रैंडमली जनरेटिंग नंबर इंडिविजुअल्स आर चूजन एट रेगुलर इंटरवल। यहाँ पे पॉपुलेशन लिस्टेड है, ठीक है, नंबर के साथ, बट यहाँ पे हम लोग नंबर जनरेट करके उनको सिलेक्ट नहीं करेंगे, रेगुलर इंटरवल के साथ सिलेक्ट करेंगे। कैसे? लाइक फॉर एग्जाम्पल, ऑल एम्प्लॉय ऑफ कंपनी आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सारे जो कंपनी के एम्प्लॉय हैं उनको हमने लिस्ट कर दिया अल्फाबेटिकली, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट 10 नंबर यू रैंडमली सेलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 6। अब मुझे हर एक 10th नंबर को चूज करना है, ठीक है, यानी मुझे हर एक 10th एम्प्लॉयज को चूज करना है। तो स्टार्टिंग नंबर तो मुझे रखना पड़ेगा ना, स्टार्टिंग नंबर मैं रख रही हूँ 6। तो अब आप देख लीजिए, एक सिस्टम हमने सेट कर दिया कि हर एक 10th एम्प्लॉय को मुझे चूज करना है, और मैंने पहला नंबर फिक्स कर लिया है 6। तो अब मेरी जो सैंपल सेलेक्ट होंगे वो कैसे होंगे, देखिए। फ्रॉम नंबर 6 ऑनवर्ड एवरी 10th पर्सन ऑन द लिस्ट इज सिलेक्टेड, ठीक है। 6 नंबर मैंने फिक्स किया और अभी एवरी 10th मेंबर को मुझे लेना है। 6th, 16th, 26th, 36th, 46th, 56th, इस तरीके से हमारा सैंपल चूज होगा एंड यू एंड अप विद द सैंपल ऑफ 100 पीपल। और इसी तरीके से मैं सिलेक्ट करते हुए 100 तक इसको लूँगी, ठीक है। 6 लिया, 16 लिया, 26 लिया, 36 लिया, 46 लिया, 56 लिया, 66 लिया, ठीक है। इस तरीके से मैं 100 तक लेके जाऊँगी और अपने सैम्पल को चूज कर लूँगी। ये होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, जहाँ पे आप एक अपना नंबर फिक्स कर देते हो कि हर एक 10th पर्सन को लेना है, लाइक फॉर एग्जांपल हर एक 3rd पर्सन को लेना है। नंबर आप कोई सा भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिस्टमैटिक वे में सैम्पल कलेक्ट कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग द पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन दैट मे बी डिफरेंट इंपॉर्टेंट भी। स्ट्रैटिफाइड से ही आपको समझ में आना चाहिए दैट यू हैव टू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्ट्राटा। आपको स्ट्राटा में या सब ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड करना है, देन आपको अपना सैम्पल कलेक्ट करना है। इट अलाउ यू टू ड्रॉ मोर प्रिसाइज कंक्लूजन बाय इंश्योरिंग दैट एवरी सब ग्रुप इज प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड इन द सैम्पल। इससे क्या होगा, जो आपका डेटा आएगा, ठीक है, जो कंक्लूजन हम निकालेंगे वो बहुत प्रिसाइज आएगा। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक सब ग्रुप आपके पॉपुलेशन में से, जब आपने पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड किया तो सब ग्रुप प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए सैम्पल में। देखिए, टू यूज़ दिस सैम्पलिंग मेथड यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप कॉल्ड स्ट्राटा। आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब ग्रुप भी बोल सकते हैं, स्ट्राटा भी बोल सकते हैं। आपने पॉपुलेशन को सब ग्रुप में या स्ट्राटा में, जो भी आप बोलें, डिवाइड कर दिया बेस्ड ऑन द रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आपको आप जो सब ग्रुप, जो पॉपुलेशन है उसको सब ग्रुप में या स्ट्राटा में डिवाइड कर रहे हैं, तो आप किस कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिवाइड कर रहे हैं? आपने जैसे मान लीजिए जेंडर ले लिया, एज ले लिया, ठीक है, यहाँ पे आप रेंज ले सकते हैं, ठीक है, एज जेंडर ले लिया, एज रेंज ले ली, आपने इनकम ब्रैकेट ले लिया, जॉब रोल ले लिया, ठीक है, जो भी आप कुछ भी इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं कि हम लोगों को मिडल एज पीपल ही लेने हैं, हमें ओल्ड एज पीपल ही लेने हैं, ठीक है, हमें इतने इनकम वाले लोग लेने हैं, ठीक है, हमें स्लिम पर्सन ही लेने हैं, हमें टॉल पर्सन ही लेने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द हाइट। आप किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स में उसको डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द ओवरऑल
प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यू कैलकुलेट हाउ मैनी पीपल शुड बी सैम्पल फ्रॉम ईच सब ग्रुप. अब आपको देखना है कि आपने जो सब ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको कैलकुलेट करना है कि उन सब ग्रुप में से कितने लोग हमें सैम्पल के लिए लेने हैं. देन यू यूज़ रैंडम और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टू सेलेक्ट अ सैम्पल फ्रॉम ईच सब ग्रुप. अब मैं क्या यूज़ करूँगी यहाँ पे, सब ग्रुप में से मुझे सैम्पल्स निकालने, तो मैं या तो रैंडम या सिस्टमैटिक वाला सैम्पलिंग वाला मेथड चूज़ करूँगी, तभी मैं उन सब ग्रुप में से पॉपुलेशन को सैम्पल को निकाल पाऊँगी. देखना कैसे, द कंपनी हैज़ 800 फीमेल एम्प्लॉय एंड 200 मेल एम्प्लॉय. एक कंपनी है जहाँ पे 800 फीमेल एम्प्लॉय हैं और 200 मेल एम्प्लॉय हैं. यू वॉन्ट टू इंश्योर दैट सैम्पल रिफ्लेक्ट द जेंडर बैलेंस ऑफ द कंपनी. यहाँ पे हमें जेंडर बैलेंस लेते हुए चलना है. सो यू सॉर्ट द पॉपुलेशन इनटू टू स्टार्टअप बेस्ड ऑन द जेंडर. तो हमने क्या किया, जेंडर वाइज डिवाइड कर दिया, फीमेल इतनी है, मेल इतने हैं. देन यू यूज रैंडम सैम्पलिंग ऑन ईच ग्रुप. अब मैं रैंडम सैम्पल लगाऊंगी, ठीक है, सिलेक्टिंग 80 वीमेंस एंड 2 मैन. अब उन सब ग्रुप में से मैं मैन वीमेन जो हैं उनको तो 80 लूँगी और मैन जो है उनको 20 लूँगी. Which give you a representative sample of 100 people. तो यहाँ पर मुझे 100 people में से 80 women मैंने ले ली, 20 मैंने man ले लिए. इस तरीके से मैंने अपना stratified sample का sample choose किया. एक और बात मैं बता देती हूँ कि जब भी हम population को strata में या subgroup में divide करते हैं, तो वहाँ पर जब population subgroup में divide हो गई है, तो आपको decide करना है उन subgroup में से कितने पॉपुलेशन को आपको लेना है, ठीक है. फिर आप रैंडम सैम्पलिंग लगा के उसको सैम्पल को चूज़ कर सकते हो इजीली. ये था हमारा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. एक और रह गया, हम लोग उसको देख लेते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. ओके सॉरी, वो पहले हो गया. क्लस्टर सैम्पलिंग भी देख लेते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर स्ट्रेटिफाइड और क्लस्टर में काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं. क्लस्टर सैम्पलिंग देखते हैं क्या होता है. Cluster sampling also invite dividing the population into subgroup, but each subgroup should have a similar characteristics to the whole sample. Instead of sampling individual from each subgroup, you randomly select entire subgroup. देखो, एक बेसिक सा डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखना है कि stratified और cluster क्या होता है. Stratified में हमने population को subgroup में divide किया और general characteristics के basis पे उनको divide किया, ठीक है, कि हमें कौन से एज ग्रुप के मेंबर लेने हैं, कौन से इनकम रेंज वाले लेने हैं, ये सब हमने डिसाइड किया था, ठीक है. क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, ऑलरेडी जो क्लस्टर हैं बने हुए होते हैं. मान लीजिए मुझे कोई सोसाइटी में से कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए जाना है, तो सोसाइटी में जो मोहल्ले हैं, ठीक है, जो मोहल्ला हम बोलते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी बने हुए हैं. मेरे को उनको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जाना है और डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है. तो क्लस्टर ऑलरेडी डिवाइड रहता है, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. और स्ट्रेटिफाइड में हम उसको स्टार्टा में डिवाइड करते हैं, ठीक है. इंस्टेड ऑफ सैम्पलिंग इंडिविजुअल फ्रॉम ईच सब ग्रुप, यू रैंडमली सिलेक्ट द एंटायर सब ग्रुप. यहाँ पे ऑलरेडी सब ग्रुप्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं, मुझे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. जैसे मान लीजिए मुझे 4 सिटीज़ से डेटा लेना है, तो वो 4 सिटीज़ को मैं डिवाइड करने नहीं बैठूंगी, वो ऑलरेडी डिवाइडेड है. जयपुर, ठीक है, आपके जो भी आपको जहाँ से भी डेटा लेना है, जयपुर से लेना है, अजमेर से लेना है, जोधपुर से लेना है, कहीं से भी लेना है, मुझे सिर्फ जाके उस सिटी में जाके वहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे सिटीज़ हम मेरे को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी सिटी डिवाइडेड है, ठीक है. देखें, इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल, यू माइट इंक्लूड एवरी इंडिविजुअल फ्रॉम ईच सैम्पल क्लस्टर. If the cluster themselves are large, you can also sample individual from each cluster using one of the technique above. आप क्या कर सकते हो, जब आपको लग रहा है कि आपका जो cluster है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, जैसे हम सिटी में से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो सिटी काफ़ी बड़ी है, तो आप कोई भी, ठीक है, आपको जो भी वहाँ से सैम्पल चूज़ करना है, तो आप कोई सी भी एक टेक्निक लगा के वहाँ पे चूज़ कर सकते हो सैम्पल. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन ऑल्सो सैम्पल इंडिविजुअल फ्रॉम ईच क्लस्टर. हम लोग हर एक क्लस्टर में से इंडिविजुअल्स लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी हम लोग कोई एक टेक्निक लगा के ले सकते हैं. रैंडमली हमने चूज़ करना है, कैसे करना है, उस तरीके से, ठीक है, या फिर आप कोई एज ग्रुप डिफाइन कर देते हैं उस तरीके से. एग्जाम्पल, द कंपनी हैज़ ऑफिस इन 10 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, ऑल विद रफली द सेम नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सिमिलर रोल्स. कंपनी का जो ऑफिस है वो ऑलरेडी 10 सिटीज़ में है अपनी कंट्री में. यू डोंट हैव कैपेसिटी टू ट्रेवल टू एवरी ऑफिस टू कलेक्ट योर डेटा.
अब हमारे पास हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी तो नहीं है कि हम हर एक ऑफिस में जाके डेटा कलेक्ट करेंगे. सो यू यूज़ रैंडम सैम्पलिंग टू सेलेक्ट 3 ऑफिस. तो मैंने क्या यूज़ किया, चूज़ किया कि मैं सिर्फ 3 ऑफिस से डेटा कलेक्ट करूँगी. ये मैंने वहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग लगा दी, ठीक है, क्योंकि मैं 10 सिटीज़ में ऑफिस हैं, ठीक है. द कंपनी हैज़ ऑफिस इन 10 सिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, लेकिन मुझे 10 सिटीज़ में जाके उन ऑफिस को विज़िट करना, वहाँ से डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है. तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं हर एक ऑफिस में जाके डेटा कलेक्ट करूँ. तो मैं क्या कर रही हूँ, क्लस्टर सैम्पलिंग में भी मैं रैंडम सैम्पलिंग लगा रही हूँ. मैंने 10 में से सोच लिया कि मुझे सिर्फ 3 ऑफिस ही विज़िट करने हैं, वहाँ से मुझे अपना डेटा लेके आना है. सो यू यूज़ रैंडम सैम्पलिंग टू सेलेक्ट 3 ऑफिस, ठीक है. क्लस्टर ऑलरेडी डिवाइडेड है, मैंने सिटीज़ को डिवाइडेड नहीं किया है, ठीक है. 10 सिटीज़ में ऑफिस ऑलरेडी हैं, मैंने सिर्फ एक रैंडमली नंबर चूज़ किया है कि 3 ऑफिस में से मुझे डेटा कलेक्ट करना है. और मैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6 नंबर कोई सा भी चूज़ कर सकती थी, तो आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है. क्लस्टर ऑलरेडी डिवाइडेड है, ठीक है. ऑफिस हर एक सिटी में अपने आप बने हुए हैं, सिटीज़ को मैंने नहीं बनाया है, ठीक है. सिटीज़ को मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, क्लस्टर ऑलरेडी डिवाइडेड है. मैंने यहाँ पे रैंडमली एक नंबर चूज़ किया है 3, कि मैं कुछ 3 ऑफिस से ही डेटा कलेक्ट करना है. एंड दीज आर योर क्लस्टर. और इसी चीज़ को हम लोग क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं. यानी क्लस्टर में जो सब ग्रुप्स होते हैं वो ऑलरेडी डिवाइडेड रहते हैं. स्ट्रेटिफाइड में हमें सब ग्रुप को डिवाइड खुद से करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है. स्ट्रेटिफाइड में हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्राटा डिवाइड करना पड़ेगा या सब ग्रुप्स को डिवाइड करना पड़ेगा होल पॉपुलेशन में से. लेकिन क्लस्टर में ऑलरेडी जो पॉपुलेशन है वो सब ग्रुप्स में, क्लस्टर्स में ऑलरेडी डिवाइडेड है. That is known as cluster sampling, and this is the basic difference between them. So yes, this is all about it. Thank you so much. And guys, एक request है आपसे कि अगर आपको मेरे videos पसंद आते हैं, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा view कर रहे हैं videos को, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको videos पसंद आ रहे हैं तो इसको अपने friends के साथ share करिए, ठीक है. कमेंट करके बताइए क्या आपको कमियां लग रही हैं मेरी वीडियो में, तो मैं उसको सुधारने की बिल्कुल कोशिश करूँगी. शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आए तो, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. सो यस, दिस इज़ ऑल अबाउट इट. थैंक यू सो मच, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.